ताली ताली बजाना चाहूंगा भाई, इंडिया के लिए नहीं आकाशदीप के लिए। भाई अपने डेब्यू मैच पे 3 विकेट लिया है, और भाई ये जो चौथा टेस्ट मैच हुआ है इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, आकाशदीप डेब्यू कर रहे थे जसप्रीत बुमराह की जगह पे, जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहे थे। तो भाई पहला विकेट ले लिया था भाई, जैक क्रॉली का विकेट ले लिया था आकाशदीप ने आते के साथ ही एक दो ओवर के अंदर, लेकिन भाई नो बॉल मिल जाता है। अंपायर बोलता है भाई आओ फिर से बॉलिंग करो, ये आउट नहीं है, आपको आउट मिलने वाला नहीं है। थोड़ा नाराज हो जाता है, पूरा डॉगआउट खुश हो गया था भाई, समझ में आ रहा है सभी कोई खुश हो गए थे। लेकिन फिर से आकाशदीप ने जस्ट 1 से 2 ओवर के बाद फिर से बेन डकेट का विकेट ले लिया, और जैक रॉली का जो विकेट लिया था जिसमें नो बॉल मिला था उसका भी विकेट आकाशदीप ने ही लिया था। तो आज पहले दिन के मैच में ये घटा है कि 4 से 5 आधा इंग्लैंड खत्म हो गया था लगभग 200 रन से नीचे, 150 रन से ही नीचे। लेकिन फिर आते हैं जो रूट, और जो रूट इतना शानदार पारी खेलते, इतना शानदार पारी खेलते हैं, अपना पहले वाला रूप में आ जाते हैं और इंडिया के खिलाफ फिर से सेंचुरी बना देते हैं। आज का मैच में यानी कि पहले दिन का टेस्ट मैच में सेंचुरी बना दिए हैं, और अभी भी 102 या 3 रन पे खेल रहे हैं शायद वो। और भाई इंग्लैंड का स्कोर पहुंच गया है 302 रन पे 7 विकेट, यानी कि 3 विकेट अभी भी इंग्लैंड का बचा हुआ है। और भाई और बॉलिंग का बात करूं, देखो मैच स्टार्ट होने से पहले सबको बोल रहा था ये स्पिनर पीछे, लेकिन स्पिन ने विकेट ही कहां लिया भाई, इतना रन दिया स्पिनर्स ने कि क्या बोलूं भाई। रविंद्र जडेजा ने रन दिया, रविचंद्र अश्विन ने भी रन दिया, लेकिन भाई हाँ दोनों ने एक एक विकेट लिया। यहाँ पे विकेट लिया सबसे ज्यादा तो आकाशदीप ने जो कि फास्टर बॉलर है, और मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट लिया। लेकिन मोहम्मद सिराज का एक ओवर याद आता है जिसमें से 3 चौका और शायद 1 छक्का खाया था, वो ओवर मजा आया था देखने में, लेकिन थोड़ा खराब भी लग रहा था भाई क्योंकि एक ओवर में इतना रन चला जा रहा है, समझ में आ रहा है। तो 302 रन पे पहला दिन का टेस्ट मैच का स्टंप हो गया, यानी कि रुक गया खेल। अब अगले दिन 302 रन से स्टार्ट होगा, अभी भी 3 विकेट है बचे हुए इंग्लैंड के, और जो रूट भाई साहब अभी भी आउट नहीं हुए हैं, तो क्या होगा वो तो कल पता चलेगा। लेकिन मजा आया, आकाशदीप डेब्यू मैच में अच्छा बॉलिंग किए, नो बॉल पे विकेट लिए, विकेट लेने के बाद पता चलता है नो बॉल है, बहुत मजा आया आज के मैच में। तो आईपीएल का भी वीडियो हमारे चैनल पे आ रहा है, तो अगर आप मुंबई इंडियन का प्लेइंग 11 जानना चाहते हो या फिर चेन्नई सुपर किंग का प्लेइंग 11 जानना चाहते हो, अगर आप मुंबई इंडियन का शेड्यूल जानना चाहते हो कि आईपीएल 2024 में कौन कौन से टीम से मुंबई इंडियन मैच खेलने वाला है, तो ये वाला वीडियो देखो। अगर आप चाहते हो चेन्नई सुपर किंग का शेड्यूल जाना कि चेन्नई सुपर किंग आईपीएल 2024 में किस किस से मैच खेलेगा, तो इधर वाला वीडियो देखो। तो जाओ वीडियो देखो, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो।